हम सबको मेकअप बहुत ही पसंद होता है, तो जैसे हम टीनेजर्स होते हैं तो हम टीनेजर्स को मेकअप बहुत ही पसंद होता है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉलेज गर्ल्स के लिए मेकअप, जो बहुत ही आसान होने वाला है और मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल नहीं करूँगी इसमें। तो चलिए देखते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी होस्ट पे। मैं आपकी ब्यूटी होस्ट रुखसार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेकअप फॉर कॉलेज गर्ल्स। तो सबसे पहले मैं प्राइमर से स्टार्ट करूंगी। तो प्राइमर मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर। तो मैं जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करूंगी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसको प्राइम करना हमारे फेस को बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उससे हमारी स्किन हेल्दी रहती है और हमारा मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा प्राइमर्स मार्केट में अवेलेबल है। आप जो भी आपके स्किन टाइप का है वैसा प्राइमर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं वेट एंड वाइल्ड का इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि वो एक ड्यूई लुक देता है, एक चेहरे पे एक अच्छी सी चमक आती है उससे, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो अब मैं फाउंडेशन इस्तेमाल करूँगी। तो फाउंडेशन के लिए मैं मेबेलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन ले रही हूँ। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है दोस्तों, और इसको आपको सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट में आपके पूरे फेस पर हो जाता है। जैसे कि एक पंप आपने इस्तेमाल किया इसका तो आपके पूरे फेस और नेक के लिए ये इस्तेमाल होता है। दोस्तों आपने देखा इसका कवरेज कितना अच्छा है। मेरे जो जितने भी पिंपल्स थे उसको इसने बहुत ही अच्छे से कवर अप कर लिया, जो भी स्पॉट्स थे। तो ये जो प्रोडक्ट है वो डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है, तो इससे आपकी स्किन को कुछ भी हार्म नहीं होगा। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां चेक कर सकते हैं। अब मैं अपने फेस की कॉन्टरिंग कर लूंगी। तो कॉन्टरिंग के लिए मैं इनसाइड ब्रांड की ये कंसीलर ब्राउन कलर की जो पेंसिल है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो पाउडर कॉन्टरिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंटूरिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस्तेमाल करूंगी मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर। ऐसे सेट करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेबेलिन का ये कॉम्पैक्ट पाउडर।
अच्छा कवरेज मिलता है इस फाउंडेशन से कि आपको अगर आप पाउडर नहीं भी लगाना चाहते हो तो भी कोई इसकी जरूरत नहीं है। ब्लशर के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये मेबेलिन का चीकी ग्लो ब्लशर। आईब्रोज के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी ये स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस्तेमाल करूंगी पीची सा आईशैडो जो काफी लाइट होना चाहिए। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं यूज करना चाहते तो इसे यूज बिल्कुल मत करना। तो मैं आज ले रही हूँ ये रेवोल्यूशन लंडन का आईशैडो पैलेट। तो इसमें से मैं ये जो सेकेंड शेड है उसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। बहुत ही ट्रांसलूसेंट जैसा पाउडर है ये। अब मैं लेने वाली हूँ टेप जो हमारी सादी टेप होती है मुझे आईलाइनर लगाने के लिए। इससे बहुत ही आसान तरीके से आईलाइनर लगता है और बहुत ही अच्छा विंग आता है। तो मैंने पहले ही उसे ऐसे कट करके दो रख लिया था। अब दोस्तों हमें जब जल्दी होती है और विंग हमारा एक सीधा बनता है और एक खराब हो जाता है, ऐसे बहुत बार होता है, तो ये जो टेप है इससे हमारा जो विंग है वो एकदम परफेक्ट आता है, खराब नहीं होता है और दोनों इक्वल होता है। बस आपको जो टेप है वो अच्छे से प्लेस करनी है, मतलब यहाँ की भी और यहाँ की भी दोनों आंखों पर सेम लगाएं। तो आईलाइनर के लिए मैं आज ये HR का आईलाइनर ले रही हूँ। ये 2-in-1 शेड में है तो मैं ब्लैक वाला इस्तेमाल करूँगी और एक इसका जो शेड है वो डार्क ब्लू है। इसके लिए आपको एक मिरर लेना है और मिडल से आपको आपका आईलाइनर स्टार्ट करना है। देखा दोस्तों कितने जल्दी से मेरा एक इतना अच्छा विंग आईलाइनर लग गया है। अब इस टेप को रिमूव करके आपको बताऊंगी। अब मैं अपने इस आपका भी आईलाइनर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जो टेप का निशान है उसको थोड़ा सा डैप डैप कर देंगे तो वो ठीक हो जाता है। अब मैं अपनी आईब्रो पेंसिल का फिर से इस्तेमाल करूंगी। इसे मैंने अपनी जो काजल लाइन है उसके नीचे लगाया है ताकि मेरी जो आंखें हैं वो काफी बड़ी दिखे, क्योंकि मेरी छोटी आंखें हैं। अगर आपकी आंखें बड़ी है तो आप काजल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और वॉटर लाइन के लिए मैं ये वेट एंड वाइल्ड का न्यूड शेड पेंसिल इस्तेमाल करूंगी। अब मैं लगा लूंगी लिपस्टिक। पहले मैं अपने लिप को लाइन कर लूंगी। तो ये मैंने एक लिप लाइनर लिया है, आप आपके लिपस्टिक के शेड के अकॉर्डिंग आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों लिपस्टिक मैं आज मैरियो की लिपस्टिक इस्तेमाल करती हूँ, उसका शेड नंबर है 513। तो ये मेरा कॉलेज रूटीन रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक शेयर और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको और किस टाइप के वीडियोस देखने हैं। मैं उस पर ट्राई करूँगी और आपको ये अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाकर लेकर आऊँगी। बाय।